नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए जून 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मई से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और 14 मई के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 31 मई से 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जून के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में आकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 5 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। 5 जून के बाद ये उदित हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 19 मई से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में 12th हाउस में गोचर करेंगे और 11 जून के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है और यहाँ पर 14 तारीख के बाद आप देखेंगे सूर्य और बुध ग्रह भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। ये जो महीना है इस महीने को मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 11 जून 2024 तक का समय, ये जो समय होगा ये समय आपको फॉरन लैंड पर रहने वाले लोगों से लाभ दिलवाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक संबंधों का सुख भी प्रदान कराएगा। ये समय अवधि लग्जरी की चीज़ों के लिए, फीमेल कॉस्मेटिक इत्यादि, व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च कराएगा, परंतु अच्छी चीज़ों के लिए आपका धन यहाँ पर ये खर्च कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से वार्तालाप करना, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई कार्य है, जॉब है, या घूमने जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 11 जून के बाद आप देखेंगे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 11 जून के बाद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा, आप काफ़ी टेक्निकल माइंडेड होंगे, एक बहुत अच्छी छवि आपकी निखर करके सामने आने वाली है। इसके साथ साथ सभी प्रकार की अच्छे भौतिक सुखों का आनंद इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है, चेहरे पर एक ग्लो इस समय में आपके चमक जिसे कहते हैं दिखाई देगी, और चमक भी कोई छोटी मोटी चमक नहीं, एक राजाओं जैसी या रानियों जैसी चमक, अगर आप मेल है तो राजाओं जैसी और फीमेल है तो रानियों जैसी चमक आपके चेहरे पर बनती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे लग्जरी की चीज़ों का, ये कहें कि जीवन की सभी खुशियों का अनुभव इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। खुश रहने के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय। बस यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, अपने आप को ईगोइस्टिक होने से बचना है। लोग आपको ईगोइस्टिक बनाने का प्रयास करेंगे, आपकी ईगो को उकसाने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको उन्हें नज़रअंदाज कर देना है, तभी जाकर के आप अच्छे और एक अच्छी छवि का निर्माण करके अपने आगामी भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सेकेंड हाउस के विषय में। सेकेंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना और राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ता है ये बताता है इस समय में आपके धन के अंदर वृद्धि होने वाली है, आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ धन जो प्राप्त होगा वो अचानक से प्राप्त होगा, कोई प्री प्लान धन आपको प्राप्त नहीं होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर क्रोध की अधिकता बढ़ने वाली है, जैसे कि पहले ही बता रहा था, क्रोध को मैनेज करिएगा, ईगोइस्टिक होने से बचिएगा, तभी जाकर के आप अच्छे और शुभ फलों को यहाँ पर प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में देखिए छोटा मोटा कोई फ्लू इत्यादि से, कफ कोल्ड इत्यादि, एलर्जी टाइप कोई प्रॉब्लम आँख नाक कान गले में होती हुई दिखाई देती है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसका तुरंत से ट्रीटमेंट कराएंगे तो बेहतर रहेगा। समय समय पर धन आपके पास आएगा, धन का संचय भी करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह
जो कि आपके ट्वेल्थ और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर जब शनि ग्रह की एस्पेक्ट मिलती है तो ये कार्यों के अंदर भागदौड़ बहुत कराती है। इस समय में आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं और आपके कुछ क्लाइंट या कस्टमर फॉरेन लैंड पर हैं, तो उनसे टच में रहने का प्रयास कीजिएगा। उनसे टच में रहना, उनसे वार्तालाप करना, मेल इत्यादि करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं करने से लाभ होगा, क्योंकि उन लोगों से आपको लाभ मिलने वाला है। ऐसे योग यहाँ बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे 14 जून 2024 तक का समय, आपका कुछ धन आपके पड़ोसियों के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु 14 जून के बाद उनसे भी आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर लें, ऐसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय में यात्राएं करना भी दिखाई देता है, यात्रा करने का योग बनेगा। कुछ सरकारी यात्राएं या सरकारी व्हीकल से यात्राएं करना, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में केतु ग्रह का गोचर, फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके ट्वेल्थ और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, और फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको आपके माता तुल्य स्त्रियों से धन प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ ज्वेलरी इत्यादि हो, धन हो, इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आप अगर कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्प से आप एक अच्छा वाहन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ इस समय में आपको सुखों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास अधिक रहेगा। थोड़ा अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने के लिए आपको कम से कम 13 जून 2024 तक रुकना चाहिए। पसंद कर सकते हैं, टोकन मनी दे सकते हैं, परंतु रजिस्ट्री अगर करनी है या सेल परचेज करना है तो 13 जून 2024 के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा, आपका कार्य 110% पूर्ण होता दिखाई देगा। और इसके साथ साथ ये समय अवधि, इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो माता हैं, माता तुल्य स्त्रियां हैं, वे थोड़ी कन्फ्यूजन वाले स्टेज में रहेंगी। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उसके लिए समय समय पर डॉक्टर से जो कंसल्टेशन लिया जाता है उसे आप कंटिन्यू रखिए, ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ जब आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल पर जाते हैं, तो गूगल मैप के साथ साथ अपना भी माइंड यूज़ करने का प्रयास कीजिएगा। संभावना ये बनती है कि अगर आप गूगल मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हो सकता है लंबा रास्ता चलना पड़ जाए, और अगर अपना माइंड थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर बना हुआ है, तो आप अगर अपना माइंड भी यूज़ करेंगे तो अपने माइंड के प्रयोग से आप शॉर्ट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल पास करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके ट्वेल्थ और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, और फिफ्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर से आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा समय एजुकेशन को समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है 11 जून 2024 तक का समय, या आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए, तो 11 जून 2024 से पहले का समय हायर एजुकेशन की, 11 जून का ये पूरा जून का महीना ही आप माने, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरा जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसका आप सदुपयोग करने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए 11 जून 2024 के बाद का समय बेहतर दिखाई देता है। इस समय में आप एक सुंदर और स्वस्थ संतान को कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ये मान के चले कि मेडिकल मेडिसिन पर आपको छोटे अमाउंट एक खर्च करना पड़ेगा, तब जाके लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, उन्हें विशेष तौर से लव रिलेशन अगर बनाते हुए उनके पास लव चल कर के आएगा, आप लोगों के पास मिथुन लगन वाले लोगों के पास इस महीने में लव स्वयं चल कर आए, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई देती है, ऐसे ग्रहों की एस्पेक्ट बनती दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये स्वयं से किसी के प्यार में पड़ जाए, प्यार खुद चल के इनके पास, इनके दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खोला तो ये मोहित हो गए, ऐसी संभावनाएँ बनती दिखाई देती है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, पेशन रखें, चीज़ों को, वक्त को, और जो आपका समाज है
जो चीज़ें आपके पास चल कर आई हैं उन्हें थोड़ा सा जज करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है, आप मल्टीनेशनल कंपनी से या फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ कार्य करते हैं तो उसके लिए समय अच्छा बना हुआ है। इस समय में पूरा जून का महीना आपको फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों से कुछ नया टेंडर इत्यादि दिलाने के लिए लाभदायी दिखाई देता है। इसका प्रयोग लाभ भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके इलेवेंथ हाउस में गोचर कर रहे हैं और सिक्स हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और सिक्स हाउस के ऊपर शुक्र, देवगुरु बृहस्पति, बुध और सूर्य का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए सभी ग्रहों का एस्पेक्ट जा रहा है केतु और चंद्रमा को छोड़ करके, सभी ग्रह आपके सिक्स हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। जब सिक्स हाउस एक्टिव होता है तो व्यक्ति को दुश्मनों का डर नहीं रहता। कोई दुश्मन अगर उसका बनना चाहता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, तो इसलिए दुश्मनों की तो चिंता ही आप छोड़ दें। वैसे भी इस समय में अगर आप किसी दुश्मन से या किसी एनिमी से कोई लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में लाभ मिलता दिखाई देता है। ये महीना आपको किसी व्यक्ति के दुख से धन दिला दे, ऐसी भी संभावना दिखाई देती है। इसके साथ किसी के लड़ाई झगड़े से धन दिला दे, ऐसी इसका इन कार्यों के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। कमीशन बेसिस कुछ कार्य आप करके इस समय में उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे या कंसल्टेंसी का भी कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से देखिए चलते समय और व्हीकल ड्राइव करते समय थोड़ा केयरफुल रहना है, अदरवाइज पैरों के अंदर घुटने के नीचे के हिस्से में किसी प्रकार से चोट खरोच लगने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपके लिए बेहतर है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके सेवंथ हाउस के विषय में। सेवंथ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके ट्वेल्थ और फर्स्ट ट्वेल्थ हाउस में गोचर करेंगे और सेवंथ हाउस के ऊपर आप देखेंगे सेवंथ हाउस के ऊपर जब शुक्र 14 तारीख के बाद शुक्र, बुध और सूर्य की एस्पेक्ट आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपको इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपका स्पाउस भी थोड़ा इगोस्टिक होगा, वह भी बहुत टेक्निकल माइंडेड होगा, परंतु वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देगा। अगर आप कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो इस समय में लाभ मिलता दिखाई देगा, उनके भी प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको फॉरेन और फॉरेन लैंड पर जाने के लिए या लंबी दूरी की एक यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपने स्पाउस के साथ, और अगर आप बिजनेस करते हैं, आप मैरिड नहीं है तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, और बिजनेस पार्टनर भी नहीं है तो अपने कलीग्स के साथ, और कलीग्स भी नहीं है, जॉब नहीं करते, स्टूडेंट हैं तो अपने मित्रों के साथ कई टूर ट्रैवल पर जाने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय काफ़ी फेवरेबल है, इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाई देती है, इस समय में जो व्यक्ति मैरिड है वे अपने बेडरूम के अंदर कुछ धार्मिक पुस्तकें रखना, धार्मिक चित्र लगाना भगवान देवी देवताओं के, और इसके साथ साथ हो सकता है कोई धार्मिक वीडियो ही देख रहे हो, भजन इत्यादि सुन रहे हो, तो ये एक्टिविटी आपको बेडरूम में नहीं करनी चाहिए। बेडरूम का देखिए अर्थ ही होता है बेड बने बुरा और रूम बने कमरा, बुरा कमरा जिसे बुरा कमरा कहते हैं वो भौतिकता के लिए सही है, आध्यात्मिकता के लिए आप अपने जो भी आध्यात्मिक आप ज्ञान लेना चाहते हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं बुक, कोई अच्छा ग्रंथ, आप शास्त्र इत्यादि आप अगर रीडिंग कर रहे हैं, जब कोई चालीसा इत्यादि पढ़ रहे हैं, आरती पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक स्थान सुनिश्चित करें और वो स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि करने के लिए। वैसे तो और भी डायरेक्शन है परंतु सबसे ज़्यादा जो है पवित्र ये माना गया है, यहाँ बैठकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको कई गुना फल मिलता है और आप बहुत जल्दी आध्यात्म में उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बेडरूम में इस तरह के कार्यों को ना करें, बेडरूम की एक्टिविटी करें और पूजा स्थान के लिए नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन आप चुन सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं इस समय में बिजनेस पार्टनर ऐड करना चाहते हैं, अभी बिजनेस पार्टनर ऐड ना करें, रुक जाएं, इस समय में बिजनेस पार्टनर ऐड करना लाभदायी नहीं रहेगा। आने वाले समय में बिजनेस पार्टनर से किसी प्रकार से कोई हानि होने की संभावना बनती दिखाई देती है। जो बिजनेस पार्टनर आपके पहले से हैं तो उनके लिए आप कुछ धन खर्च करें, उनके भोजन वस्त्र इत्यादि या जो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, या पार्टी इत्यादि करके ही, हेल्प नहीं करें तो इसे पार्टी भी कह सकते हैं, पार्टी इत्यादि करके ही एंजॉय करने का, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को कंटिन्यू और बढ़िया चलाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा।
आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ, धन लाभ, चल अचल संपत्ति का लाभ, सुख यहाँ पर दिलाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, कुटुंब में वृद्धि होना, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होना यहाँ पर देखा जा सकता है, परंतु केतु की भी एस्पेक्ट पड़ रही है। केतु के एस्पेक्ट जाना मतलब कोई शुभता का कार्य होता दिखता नहीं है, कोई परेशानी आ जाना या जिसे कहते हैं रंग में भंग पड़ जाना, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। कुटुंब के जो सदस्य हैं या आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, वे सभी में कुछ कन्फ्यूजन की स्टेज में रह सकते हैं, उन्हें कुछ दुविधा है जिसे वे निकल नहीं पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो किसान भाई है उन्हें धन का लाभ तो होता दिखता है, फसल तो अच्छे दाम पर जाएगी, अच्छी फसल भी लगा पाएंगे, परंतु फसल लगाने से पहले थोड़ा विचार विमर्श कर लें कि कौन सी फसल लगाए जिसमें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर संभावना ये बनती है कि मुनाफा किसी और फसल में होना था और आपने लगा कोई और सी फसल में, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि के 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह के एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए ये जो समय है ये समय आपको फॉरेन लैंड पर भेजने का प्रयास करेगा, आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे और धर्म कर्म के साथ साथ आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख देता है, परंतु जो यात्रा होगी वो थोड़ा डिले करा करके होगी, यात्रा में कुछ डिले होना दिखाई देता है। परंतु इस समय में अगर आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। कार्य थोड़ा विलंब से होगा परंतु कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। और इसके साथ साथ ये जो समय है इस समय में राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे, सब चीज़ों का भाग्य का भरपूर सुख आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th और फर्स्ट 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को फॉरेन लैंड पर लेकर जाने का प्रयास कीजिए, कितना भी प्रयास लगे खींच तान करके अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को अधिक दूरी पर भेजने का प्रयास कीजिएगा, मार्केटिंग से हो, मार्केटिंग टीम से हो, जैसे भी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आप करिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों से लाभ दिलाएगा। हो सकता है इस समय में आपके कुछ नए क्लाइंट और कस्टमर बने या कुछ नए वेंडर आप फॉरेन लैंड या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को बना करके आने वाले समय में अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाए, इस संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या जो पॉलिटिशियन है इस समय में उनकी वाणी में एक अजीब सा तेज़ होगा, चेहरे पर तेज़ तो होगा ही, वाणी में भी तेज़ होगा, ओझ होगा इस समय में भाषण इत्यादि करना 11 तारीख के बाद, ध्यान रखिएगा 11 तारीख के बाद कीजिएगा, भाषण वगैरह देना है तो 11 तारीख के बाद कोई भाषण या कोई किसी बहुत बड़े समूह को, व्यक्तिगत समूह को आप अगर संबोधित करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और देखिए ये जो समय है इस समय में आप अपने धन को लंबे समय की अवधि के लिए निवेश कीजिएगा, प्रॉपर्टी इत्यादि में भी धन का निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके मित्रों से सुख दिलाने वाली है, मित्रों का माध्यम से काफ़ी सुख और लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके जो चाचा जी और ताया जी वर्ग के लोग हैं, बुआ जी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से भी आपको लाभ मिलाता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि आपको काफ़ी नेम फेम देगा, सुख देगा, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। परंतु एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है, इस समय में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचिएगा, लड़ाई झगड़ा करना आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है, उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 12th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में 11 जून तक है और साथ में बुध और सूर्य ग्रह भी है और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो स्थिति बनी है इस समय में, ये समय अवधि आपको आपके कुछ धन को अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए खर्च करेगा, फॉरेन लैंड पर जाने के लिए खर्च करेगा, कुछ धन के लाभ भी वहाँ से कराएगा, परंतु पहले तो धन आपका खर्च कराएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है तो उसके लिए भी थोड़ा सा धन खर्च होगा, परंतु डिजीज़ में एक जिसे कहते हैं बेहतरपन आ जाना, ठीक हो जाना, सही होने के कगार पर आ जाना, ऐसे योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के इस समय में आपको विशेष तौर से छोटा मोटा कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस समय में किया हुआ दान
आपको कई गुना फल और कई गुना आराम, कई गुना सुख आपके पूरे परिवार को देने वाला रहेगा। इसलिए छोटा सा ही दान अवश्य करें। आप शतरंजन दान कीजिएगा, सात अनाज अलग अलग लेकर के, एक साथ मिक्स मत कीजिएगा, एक साथ मिक्स करके किसी के काम नहीं आएगा, केवल पक्षी खा सकते हैं उसे या जानवर, कोई गाय भैंस इत्यादि खा सकते हैं, परंतु सात अनाज अलग अलग लेकर के उन्हें आप किसी भी दिन, जो भी दिन आपके मन करे, जब आपकी सामर्थ्य हो, जब आपके पास समय हो, दिन के समय आप दान कीजिएगा, उसका कई गुना फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं, पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य रहेगा। तो ये अब मैं आपको आगे बताता हूँ डेट वाइज प्रेडिक्शन के विषय में। 1 और 2 जून का समय देखिए, 1 और 2 जून का समय जो रहेगा, ये समय जो जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा झूठ भी बोल सकते हैं, परंतु जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 3 और 4 जून का समय, 3 और 4 जून का समय आपको, आपके पास धन का होना, मित्रों का सुख होना, मित्र सुख भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मित्रों का सुख आपको मिलना, नेम फेम होना, पार्टी इत्यादि करना लाभदायी दिखाई देता है। 5 और 6 जून का समय देखिए, 5 और 6 जून का समय, ये समय थोड़ा सा आपका धन एक्सपेंसिव कराने वाला है। हो सकता है आपको फॉरेन जाने के लिए टिकट बुक करना हो, कोई फ्लाइट टिकट बुक करना हो, तो उसके ऊपर धन यहाँ पर खर्च होगा, या फिर आपके परिवार में किस सदस्य की हेल्थ खराब है, उसकी हेल्थ के लिए आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो सकता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, वैसे लीगल मैटर यहाँ पर दिखता नहीं है, परंतु अगर कोई चल रहा है तो उसे शॉर्ट आउट करने के लिए इस समय बहुत बेहतर रहेगा। इस तारीख में थोड़ा धन दे करके आपसी जो भी आपका लड़ाई झगड़ा है उसे आप शॉर्ट आउट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, जब अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर खड़ी हो तो देर नहीं करनी चाहिए, उसे अंदर बुला करके अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो इस तरह से लाभ आपको मिलने वाला है। इस दिन आप डोनेशन अवश्य करें, ये समय डोनेशन करना और डोनेशन का कई गुना फल आपको और आपके परिवार को मिलता हुआ दिखाई देगा। 7 और 8 जून का समय देखिए, 7 और 8 जून का समय जो रहेगा, ये समय, इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करना, मूवी इत्यादि देखना, टूर ट्रिप पर जाना, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, इस तरह की चीज़ों में घूमने जाना, टूर ट्रैवल का सुख इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, आनंद की अनुभूति होगी, नेचर से आप एक अजीब सा मधुरता का, प्यार भरा संगीत बजते हुए सुन पाएंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है। ये समय आपको अपने आगामी भविष्य की योजना बनाने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा, तो उसका लाभ भी उठाने का प्रयास कीजिएगा। 9 और 10 जून का समय देखिए, 9-10 जून का समय, इस समय आपको धन देने वाला होगा, आपके पास धन का आवागमन हो, इस संभावना बनती दिखाई देती है। इस समय में वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो धन आपके पास अवश्य आएगा और पारिवारिक सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 11, 12, 13 जून का समय देखिए, 11, 12, 13 जून का समय, ये जो समय रहेगा, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, आपको टूर ट्रैवल का कोई बिजनेस है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, तो इस दिन कार्य अवश्य कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। इस समय में किया हुआ प्रयास, छोटा सा प्रयास भी आपको अधिक उत्तम जल दिलाता हुआ दिखाई देगा। 14, 15, 16 जून का समय देखिए, 14, 15, 16 जून का समय, ये आपको, आप एक तो आपके घर का सुख देने वाला रहेगा, इसके साथ साथ माता मातृतुल्य स्त्रियों का सुख और लाभ भी प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना हो सकता है। इस समय में परिवार के साथ किसी यात्रा को करके, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, उसे करके आप लाभ प्राप्त कर पाए। इसके बाद 17, 18 जून का समय देखिए, 17, 18 जून का समय जो रहेगा, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। ये समय अवधि देखिए, लव रिलेशन के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में लव आपके पास आए, या जो व्यक्ति आपसे लव करता है वो आपके पास आए, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट को विशेष तौर से इस समय में लव रिलेशन से थोड़ा बचना चाहिए, ये समय उन्हें लव रिलेशन की तरफ लेकर जाएगा, परंतु अपनी किताबों से, अपने बुक से, अपनी एजुकेशन से अगर लव करेंगे तो सफलता बहुत जल्दी आपके कदम चूमने वाली है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में आपको अपने क्रिएशन के कार्य में नए टेंडर इत्यादि मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 19-20 जून का समय, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए या मित्रों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। धन इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्ति के योग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कोई लोन इत्यादि लेना चाहते थे, उसके लिए अप्लाई किया था, लोन इस समय में आपको मिल सकता है। कोई ऋण अपने मित्रों से लेना चाहते थे, मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसमें इस समय अवधि के अंदर 19-20 तारीख में मैटर को शॉर्ट आउट या क्लोज करने की अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आएगी, उसे आप
कैश करके मैटर को क्लोज कीजिएगा और आगे बढ़कर अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, उनके जीवन में कोर्ट केस इत्यादि चलते रहते हैं। अब देखिए, कोर्ट केस अगर लग जाता है तो काफ़ी लंबे समय की अवधि तक चलता रहता है और जीवन दुर्बल हो जाता है। अपॉर्चुनिटी आती है कि पैसे दे करके या कोई सेटलमेंट करके शॉर्ट आउट कर लिया जाए, तो शॉर्ट आउट करके आगे का जीवन आपका बेहतर हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आप 19-20। देखिए 19-20 जून का समय, ये जो समय रहेगा, सॉरी 19-20 नहीं, 21-22, 19-20 हो चुका है, 21-22 जून का समय। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी टूर ट्रैवल कर जाने का सुख प्राप्त होता है। इस समय में स्पाउस के साथ एक होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि की यात्रा तो बनती ही है। इसके साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लंच या डिनर इत्यादि करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नई पार्टनरशिप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो पुरानी पार्टनरशिप है उसे ही कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा। अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपका नेम फेम काफ़ी बनेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होने के चांसेस आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 23-24-25, देखिए 23-24-25 जून का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में हो सकता है आपका कुटुंब के सदस्य से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ चल अचल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो यहाँ पर आपको परेशानी दे सकता है। परंतु थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा पैशन रख के कार्य करेंगे तो उन चीज़ों में आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में जो किसान भाई हैं उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम मिलता हुआ दिखाई देता है, अच्छे दाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। परंतु अगर इस समय में कोई नई फसल लगानी है या इस समय को आप नई फसल के लिए प्लान कर सकते हैं कि कौन सी फसल आप लगाएं जिससे कि आने वाले समय उसका अच्छा रिजल्ट मिल पाए, तो चीज़ों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 जून का समय जो रहेगा, ये जो समय है ये फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा पीआर आपका तैयार है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप वीजा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट प्रदान करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख आपको देने वाला रहेगा। इसके बाद 28-29 जून का समय, देखिए 28-29 जून का समय जो रहेगा, ये अगेन आपको एक जॉब देने के लिए आया है। अगर आप अभी तक जॉब लेस हैं, आपको जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप 28-29 तारीख में जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा, अवश्य प्रयास कीजिएगा, कुछ ना कुछ चीज़ आपके हाथ आएगी जरूर। कभी कभी होता क्या है कि ग्रह दशा ऐसी चल जाती है या महादशा ऐसी चल जाती है जिसमें जॉब प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति टूट जाता है। परंतु एक बार और प्रयास करना बेहतर होता है प्रयास ना करने के मुकाबले, तो एक बार और प्रयास किया जाए, हो सकता है इस डेट में आपको जॉब की प्राप्ति हो जाए। कोई भी जॉब प्राप्त हो उसे आप कैच कर लें। आने वाले समय में जब समय बेहतर होता है तो चीज़ें अपने आप ऊंचाइयां प्राप्त करती हैं, अपने आप सफलता मिलने लगती है। व्यक्ति कुछ भी करे उसे सफलता अपने आप मिलने लगती है, तो इसको करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब का बिजनेस करते हैं, आपको एम्प्लॉय की आवश्यकता है, तो इस समय में एम्प्लॉय को हायर करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्विस पर अगर आप लाना चाहते हैं, ये समय एक चीज़ के लिए और अच्छा दिखाई देता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नए क्लाइंट या कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। प्रयास इस डेट में अवश्य कीजिएगा, कुछ अच्छा आपके साथ होना यहाँ पर घटित होना दिखाई देता है। इसके बाद 30 जून का समय आपको अगेन धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, पार्टी इत्यादि करना, घूमने जाना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। नेम फेम आपको काफ़ी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था जून 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपो बने रहने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।